खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज नवगठित जिले के अंतर्गत हनुमाना सरपंच संघ के द्वारा अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन निराकरण नहीं हो पाया है। वही अनुविभागीय अधिकारी हनुमाना को सरपंच संघ के द्वारा ज्ञापन सौंपकर समस्या निवारण करने के लिए मांग की गई है। जिनमें से निम्न मांगे कुछ इस तरह है कि माह अगस्त 2022 से 2022 तक के मानदेय का न मिलने के कारण जनपद हनुमाना की लापरवाही के कारण लेट हो गया, इसके संबंध में कार्यवाही की मांग की गई है। जनपद पंचायत हनुमाना में दलालों के माध्यम से आने पर कार्य होता है किंतु सरपंच के माध्यम से कार्य नहीं किया जाता, इस प्रक्रिया में सुधार किया जाए। जनपद पंचायत के कुछ अधिकारियों द्वारा मनमानी एवं दोषपूर्ण तरीके से देखो एवं मस्टर का भुगतान किया जाता है, दोषी के विरुद्ध कार्रवाई हो एवं नियम अनुसार सभी का भुगतान किया जाए। जनपद पंचायत हनुमाना अंतर्गत रोजगार सहायक का स्थानांतरण प्रक्रिया चालू की जाए, जिससे रोजगार सहायक का संबंधित पंचायत से हटाया जा सके। माह जून 2023 से माह फरवरी 2024 तक के सरपंचों एवं पंचों के मानदेय का भुगतान कराया जाए और पंच सहित सचिव की संयुक्त मीटिंग जनपद पंचायत हनुमाना में सभी वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कराई जाए। जनपद पंचायत में सभी विभागों में रजिस्टर का निर्धारण किया जाए एवं देखो एवं मस्टर का भुगतान वरीयता क्रम से किया जाए। निर्धारित किया जाए कि सप्ताह में एक निश्चित दिन उपयंत्री एवं सहायक यंत्री जनपद पंचायत हनुमाना में उपस्थित रहे। इन सभी मांगों को लेकर आज हनुमाना जनपद संघ के द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। वही समस्या का निराकरण न होने पर संघ के द्वारा कहा गया है कि उग्र आंदोलन प्रदर्शन किया जाएगा। हाँ तेज तेज आपकी औपचारिक चर्चा सरपंच सरपंचों के द्वारा हुई तो क्या है कि उसका निदान कुछ हुआ नहीं, ये सब प्रताड़ित सरपंच हैं इतने बताइए। यहाँ दलालों के द्वारा काम होता है जनपद में, जो कि बिगड़ सरपंच के साइन का और बिगड़ सरपंच के बताए हुए काम हो जाता है। हम लोग आते हैं तो बोलते हैं कि जो है तो आप सरपंच हो, काम कराते नहीं हो, और दलाल लोग जो है काम करा के चले जाते हैं। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत खजीवान के कई ऐसे दलाल हैं जो कि आते हैं यहाँ और काम करा के चले जाते हैं, सेक्रेटरी सरपंच को कोई पता नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि दलालों के माध्यम से काम नहीं होना चाहिए, बिगर सरपंच सेक्रेटरी के साइन का कोई भी काम जनपद में नहीं होना चाहिए। आपने दलाल के बात किए है कि आपको कैसे लगा कि वो दलाल हैं? हमको दलाल का पता लगा है, यहाँ पर आते हमारे गांव के दलाल हैं, बताते हैं कि फला आदमी काम करा के चला गया है, जैसे राम और कुशवाहा यहाँ आता है हमेशा जनपद में काम करा के चला जाता है, वो पता चला कि आकर करा के चला जा, राकेश कुशवाहा है इनका जो है हमेशा नाम आता है, ये काम करा लेते हैं, तुम क्या करते हो, सरपंच को नहीं करा रहे हो, बिगर साइंस सील का काम करा के जाते हैं। कौन से पंचायत के सरपंच हैं सर? मैं ग्राम पंचायत खजीवान का हूँ। लोग उपस्थित हवा काहे खेतरी है आज अपने मानदेय के लिए इकट्ठा सरपंच काहे के मानदेय वेतन हाँ सरपंचों का 20 महीने में 15 महीने का नहीं मिला है, 5 महीने का मिला है और वो वेतन दिलाया जाए। और क्या समस्या आ रही है जनपद के तहत? यही है समस्या, वेतन बस। हाँ वेतन की समस्या है और रोजगार सहायकों की एक समस्या आ रही है, वो झगड़ा विवाद करते हैं, उनको जनपद में अटैच कर दिया जाए और पासवर्ड दिलाया जाए, पासवर्ड अटैच करते हुए पेमेंट सरपंच को कर दिया जाए। पेमेंट नहीं, रोजगार सहायकों का जो वेतन मिलता है तो कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर के आधार पर सरपंचों के द्वारा उनका वेतन पेमेंट किया जाए। अच्छा वेतन अभी का इसके पहले आप लोग आवेदन दे चुके हैं, अभी तक निराकरण? अभी तक नहीं हुआ निराकरण। अब अगला कदम आप लोगों का क्या है? अगला कदम एक सप्ताह के अंदर मौका दे, एक सप्ताह के अंदर अगर ये वेतन भुगतान नहीं होता तो जनपद में हम लोगों ने तालाबंदी घेराव करी है एक सप्ताह के बाद है। और संघ के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया, आपको क्या आपको जो उनकी मांगे हैं लगभग 6-7 मांग है, जो कुछ क्या मानदेय का पेमेंट नहीं हुआ, कुछ नरेगा का पेमेंट है, कुछ
व्यवस्था में गड़बड़ी की भी समस्या है, उस संबंध में विचार करने के लिए कलेक्टर महोदय को पत्र भेजूंगा, सीओ जनपद से भी पूछूंगा कैसा क्यों सुधार लाया जाए। कुछ ज्ञापन सौंपा गया है संघ के द्वारा जी। आज हम लोग सभी सरपंच यहाँ जनपद हनुमा में एकत्रित होकर के सरपंच की विभिन्न समस्याओं के संबंध में माननीय SDM साहब को ज्ञापन सौंपे हैं, साथ में सीओ साहब भी थे। क्या मुख्य मांगे हम लोगों की? 6-7 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग तो यह है कि सभी सरपंचों का मानदेय जो मिलता है वो पिछले सत्र का लप्स हो गया, इस सत्र में भी 7-8 महीने का मानदेय अभी नहीं मिल पाया, तो पहली मांग तो हम लोगों की यह है। दूसरी मांग यह है कि GRSO से कुछ सरपंचों को समस्या है, उस संबंध में हम लोग ये मांग किए हैं कि जिन सरपंचों को GRSO से समस्या है उनका प्रस्ताव CEO साहब आगे भेजें। तीसरी मांग हम लोगों की यह थी कि बिल भुगतान के संबंध में जो मटेरियल भुगतान होता है उसके संबंध में अनियमितता यहाँ देखी गई है, अनियमितता होने के कारण लगातार भुगतान नहीं हो पा रहा है। ये भी शिकायत है कि जो बाद में बिल देते हैं उनका भुगतान पहले हो जाता है और जिनका पहले से बिल पड़ा हुआ है उनका भुगतान आज तक नहीं हुआ। यही बहुत सारी समस्याएं थी, इसी संबंध में हम लोग SDM साहब को ज्ञापन दिया। देखा जा रहा है कि मानदेय के संबंध में कई बार ज्ञापन दिया जा चुका, अब अगला कदम क्या होगा? नहीं, इस बार हम लोग अंतिम अल्टीमेटम दे दिए हैं साहब को, और जैसा भी होगा तो आगे हम लोग सब सरपंच मिल करके आगे की रणनीति तय करेंगे। कि सरपंच संघ के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसका इस महीने के लास्ट तक हम लोग इंतजार करेंगे, है ना? उसके बाद हम लोग बृहद रूप से आंदोलन करेंगे। फिर जो यहाँ पे जो समस्याएं हैं बड़े बड़े अधिकारी कलेक्टर आएंगे तब उसका निदान होगा, ठीक है ना? ये आप तय कर लो कि इस महीना, ये महीना डेडलाइन है, इस महीने के अंदर समस्या का निदान अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद इनके खिलाफ जो है तो धरना प्रदर्शन आंदोलन तालाब। पिछले 3 महीने से भारत सरकार ने नहीं आया, और लेकिन कमीशन ने मटीरियल के भुगतान में जो भी छोटा सा पंचायतों की समस्या है सभी इंजीनियर और यही साहब की चीफ लेकर एक सप्ताह के अंदर इसमें GRSO का भी जिक्र किया गया टास्क पर। GRSO एक दो जगह, 2-3 जगह GRSO की शिकायत है और एक दो जगह GRSO के सभी संबंधी भाई सरपंच बन गए हैं, तो उनको जिला पंचायत में पद देंगे और चुनाव से पहले प्रोग्राम रोजगार का आयोजन तो पूछे बदल रखा है। ठीक सर। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत, राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।